डायनी की ये खुशकिस्मत ही भी है और खुश नसीबी भी। इस सड़क पर काला फेंकवाई है इन्होंने मुझ पे, और तो और कुछ धमकी भी दी कि अगर मैं इस घर से दूर ना रही तो ये मेरा बुरा हशर कर देंगी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आप अफान अगर एनी के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। इसमें आपको बहुत से प्यार भरे सीन देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, आप ये देखेंगे कि अमल अपनी बहन की दुश्मन बनती जा रही है। इसने तो हद ही कर दी कि जाकर एनी से कहती है तुम्हारी अब नज़र अफान की दौलत पर है। एक तो अमल जाकर अपनी बहन के दिल में इतना बड़ा दुख घोल देती है, जब भी जाती है कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जो बंदे को जला कर राख कर दे, और बाद में इसे कह देती है मैं जो कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारे साथ बुरा कर ही नहीं सकती। लफ्ज़ों के तीर मारने के बाद ये अपनी बहन को सुना देती है कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, भई अब तुम इससे बढ़कर इसका बुरा क्या चाहोगी, तुम्हें तो अपनी बहन का साथ देना चाहिए कि अफान के साथ तुम शादी करो, हंसी खुशी इस घर में रहो। नहीं, बस ये भी चाहती है कि अन्य की शादी अफान के साथ ना हो। अभी से मालूम है कि अफान साफ साफ कह देगा कि वो शादी करेगा तो सिर्फ एनी से। जब इसकी वालदा कहती है कि सिद्रा को तो इसने भगा दिया, और फिर बच्ची आयमा अफान कहता है नहीं मैं शादी नहीं करूँगा अफान उससे, आयमा से एनी क्यों नहीं बेहतर मेरे लिए। इस पर इसकी वालदा फाखरा कहती है पागल हो गए हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता, तुम उठो यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग ख़राब कर मत करो। फिर ये शहरियाज से कहती है ये तुम अपनी बीवी से कहो कि वो अपने मेके जाए, इससे कहे कि एनी को समझाएं वो अफान से दूर रहे, जो कुछ भी हो रहा है इसके वालदैन की शेयर की वजह से हो रहा है, वो भी यही चाहते हैं कि एनी की शादी अफान के साथ हो जाए। इनकी नज़र भई हमारी दौलत में पर है, पहले मेरे बेटे महरोज की सारी दौलत और जायदाद इस एनी के नाम हो चुकी है, अब ये चाहती है कि अफान के बारे में जो कुछ है ना वो भी हम लोग ले लें। इस तरह करें अपनी बीवी से कहो कि वो अपने माँ बाप से कहे कि अफान से भी कहें और एनी से भी कहें कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहें और शादी के बारे में सोचे भी ना, वरना फिर तुम जानते हो कि मैंने के साथ साथ तुम्हारी बीवी को भी इस घर से निकाल दूँगी। इस पर शहरियार जाता है अमल के पास, इसे कहता है जाकर तुम लोग अंकल और आंटी से कहें कि वो अफान को समझाएँ कि एनी से शादी की ज़िद पर दे, शायद इनकी बात ये मान ले, और एनी को भी समझाएं कि वो अफान से शादी करने का ख्वाब अपने दिल से निकाल दें। इसमें ये गाना दिया है, सिद्रा को बुलाया है इस अपने सब ताकि सबकी नज़रों में अच्छा बन सके। मैं भला ऐसी लड़कियों और को चलाकियों को नहीं जानती, वो सोच रही है ना वैसा कुछ भी होने वाला नहीं। अगर इसी लड़की को इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ तो अपनी उम्र की वजह से, अपने महरोज की निशानी की वजह से, वरना तुमको तो मैं इसे घर से लड़की निकाल ही देती। अगर इसके लिए यही हरकतें रहीं तो फिर मुझे कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा और घर से निकालना पड़ेगा, और उम्र को मैं कुछ दिन संभाल लूँगी। अमल अपने माँ बाप के पास पहुँच जाती है और कहती है कि बाबा आप समझाएं ना कि वो एनी इनकार कर दे अफान के साथ शादी करने के, और अफान को भी समझाएं वो आपकी बात मानता है समझता है, वो अपनी ज़िद छोड़ दे एनी से शादी करने वाली। अम्मा जानती है कि इसका मुझ पर जितना असर है, फाखरा हमें खुद नहीं जाती, वो इन्हें घर से निकाल रही थी। इस पर एनी का वालद कहता है कि एमल तुम अपने दिल से ये बात निकाल दो कि एनी की अगर शादी हो रही है ना अफान के साथ कोई गलत नहीं, क्यों मना करती हो तुम, हम तो चाहते हैं कि अफान की शादी हमारी बेटी के साथ हो जाए, इसलिए इसमें एनी की खुशकिस्मती भी है और खुश नसीबी भी। अमल कहती है बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको मेरी कोई परवाह नहीं। इस पर इसका वालद कहता है हाँ तुम्हारी भी परवाह, अब ये नहीं कि तुम्हारी परवाह किया जाए और इस बेचारी मासूम लड़की के साथ हम जुल्म करें, एक तो इसका शोहर फौत तो हो चुका है, दूसरा सारे घर वाले दुश्मन बन गए, तुम्हें चाहिए था तुम अपनी बहन के साइड लेती, इसके साथ हमदर्दी करती, ना कि तुम इसके दुश्मन बन जाती हो। मुझे तुमसे अमल ये उम्मीद नहीं थी, अगर तुम अपनी बहन का साथ देती तो आज ये नौबत नहीं आती, हम भी इसकी शादी करने के लिए मजबूर ना होते, इस घर में वाहिद वही लगता है अफान जो एनी का साथ देता है, इसके बच्चे का ख्याल रखता है। इस पर अमल कहती है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, आपको तो बस परवाह है सिर्फ़ और सिर्फ
यानी कि मेरी तो कोई परवाह नहीं, गुस्से में अपने घर चली जाती है और जाकर शहरियार से कहती है, शहरियार मेरी अम्मी को अबू भी यही चाहते हैं कि एनी की शादी अफान के साथ हो जाए, लेकिन मुझे तो मम्मी ने भेजा था कि मैं जाकर इन्हें समझाऊँ, इनसे कहूँ मैं एनी और अफान को चाहिए। अब मुझे पता भी नहीं कि क्या बातें सुनाएगी, पहले मेरी ज़िंदगी में कोई कम मुसीबतें, अब ये नई मुसीबत एनी और अफान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इधर एनी भी बहुत परेशान होती है कि अब क्या करूँ, इतनी इंसल्ट हो गई है। अब सिद्रा मुझे फ़ोन करके वो बातें सुनाएगी कि इसलिए तुमने मुझे वहाँ बुलाया था ताकि तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट करवा सको, तुम बहुत शातर लड़की हो, तुम जैसी शातर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम्हें हमारा इस्तेमाल किया, तुमने अच्छा नहीं किया। यानी कहती है कि सिद्रा आपको गलतफहमी हुई, मुझे नहीं मालूम था कि मम्मी ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, अगर मुझे मालूम होता मैं तुम्हें कभी घर नहीं बुलाती, फिर मेरी तो कोई गलती नहीं थी। जवाब में सिद्रा कहती है, तुम जैसी मासूम लड़कियां दिखने में लगती हैं और सबको बेवकूफ़ बनाती हैं, तो सिर्फ अपने सास के सामने अच्छा बनना चाहती हो, क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि तुम इससे शादी करना चाहती थी इसलिए तुमने मुझे फिर बुलाया, लेकिन सबसे बड़ी गुनाहगार तुम हो। कौन तुम अफान के हुजरे में जीना चाहती हो। इधर आयमा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अभी वो आलदा से कहती है कि अभी जो कुछ करें क्यों कुछ नहीं कर रही, ये ना हो कि अफान एनी के साथ निकाह कर ले और किसी को पता ही ना चले। इस पर दुर्दाना कहती है, बस तुम देखो आगे होता है क्या, कि मैं क्या करने वाली हूँ, इस ऐसे गेम खेलाऊँगी कि अफान जल्द तुमसे शादी कर लेगा और फाखरा बेगम तुम्हारी शादी करवाएंगी। तो वो कहती है क्या करेंगी, दुर्दाना कहती है मैंने रिश्ते वाला को बुलाया है, वो आएंगे और तुम्हारे साथ होने लगेगी ना इससे लड़के की शादी, जिनको मैंने बुनियाद बनाया वो झूठ मूठ का रिश्ता होगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए बुलाने की। जब मैंने कह दिया कि अम्मा की शादी अफान के साथ होगी तो फिर बस अफान के साथ होगी। इधर अफान से एनी से कहता है कि मैंने जो करना था कर दिया, अब तुम मान जाओ मैं तुम बहुत खुश रखूँगा, मैं अब मान जाती हूँ क्योंकि सिद्रा तो वफा की ज़िंदगी भी इससे चलेगी, यानी आयमा के साथ अफान की शादी हो जाए। वो जानती है कि वो बहुत चलाक लड़की है, वो अफान को खुश रख ही नहीं सकते, अपने वालदैन के घर जाती है। तो नाज़रीन आप ये भी देखेंगे, अफान एनी के वालदैन के घर जाता है और वालदैन को कहता है, तो उसके वालदैन कहते हैं एनी को समझाते हैं कि बेटा मान जाओ अब सिर्फ और सिर्फ तुम इस बात पर डटी हो, अगर तुम मान जाओ तो अफान अपनी माँ को मना लेगा। यानी कि दोस्त भी इसे कहते हैं कि अफान इससे बेहतर कोई लड़का नहीं, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मान जाओ इसकी बात। तो फिर अब एनी कहती है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, और सच में ही तो दूध पीछे कहती है कि अफान से बेहतर कोई लड़का नहीं, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मान जाओ इसकी तो बात। तो यानी फिर अब आपसे कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो सच में तुम मम्मी को मनाना होगा। इस पर अफान कहता है बस आप मान गई ना, अब फिक्र मत किए जाए, मम्मी को मनाना मेरा काम है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में रख दूँगा, और ये जो तुमने इतने दुख देखे हैं ना कोई भी दुख नहीं आने दूँगा, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। इधर इसकी माँ एक नया गेम खेलेगी और जानबूझकर बीमार हो जाएगी, अफान से कहेगी अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें अम्मा से इसी वक्त निकाह करना होगा। अब बेचारा अफान परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या कह रही हूँ और मेरी माँ बीमार होगी, ये वो कहती है शादी तुम्हें अम्मा से करनी है। अब बेचारा फंस के रह जाता है कि जहाँ जाए कहाँ ना जाए। फिर भी अफान कहता है कि एनी मैं अम्मी के बात में नहीं मानूँगा, मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ऐसे कर रही हैं। इस पर एनी से समझाएगी कि तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए, ये ना हो कि तुम कल को पछताओ, तुम मुझसे जो वादे किए तुम मुझे खुश रखोगे अब वो पूरे नहीं हो सकते। तो एनी कहती है कि वो वादे पूरे नहीं हो सकते, आप अपनी माँ की बात मान लो, आयमा के साथ शादी कर लो। अफान कहता है लेकिन थोड़ी देर के बाद इसे पता चलता है कि इसकी वालदा ठीक होती है तो खुद ही अपने कानों से सुन लेते हैं। जब इसकी वालदा कहती देखा मैंने कितनी चलाकी से अफान को बना लिया, तुम तो दुर्दाना ही परेशान हो जाती हो, मेरा नाम भी फाखरा है फाखरा। तो नाज़रीन आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। आपके
शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से हमें हौसला अफजाई करती हैं और हमें अपनी मेहनत का फल मिल जाता है। नाज़रीन, मैं बार बार अपनी वीडियो में यही कहूँगी कि हमारे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आपसे किसी किस्म की कोई माली मुआवनत नहीं रखते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके ऐसा करने से हमें सपोर्ट मिले और हम अपना रोज़गार कमा सकें और हमारा चैनल अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा। अल्लाह ताला हम सबका हमी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।